नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। धूर्त चीन सीमा विस्तार की नीति के रास्ते पर चलकर दुनिया भर के देशों को अपना दुश्मन बनाता जा रहा है। उसने पहले भारत को आंख दिखाई, फिर ताइवान को। धीरे धीरे पूरे एशिया के लिए खतरा बनते जा रहे चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भी लगता है ठान ली। इसीलिए उसने अपने सबसे खतरनाक हथियार B-2 बॉम्बर को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया, जो चीन की एक गलती पर पल भर में उसे तबाह कर सकता है। लद्दाख की सीमा के पास डेरा डालकर बैठे चीन ने हाल ही में अपने सैन्य ठिकाने पर परमाणु मिसाइल DF-26 को भी तैनात कर दिया। उसके इसी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए अमेरिका खुलकर भारत की मदद के लिए मैदान में उतर गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के एक इशारे पर अमेरिकी सेना ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन B-2 स्क्रिप्ट स्टेल्थ बॉम्बर को डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डे पर तैनात कर दिया। ये नौसैनिक अड्डा ऐसी जगह पर है जहां से उड़ान भरकर पल भर में ही परमाणु बम गिराने में माहिर B-2 बॉम्बर पूरे चीन का सफाया कर सकता है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे चीन की दादागिरी कम करने के लिए उससे भी बड़े दादा लठ लेकर बैठ गया कि जरा सी भी हरकत की तो लठ यानी बम बरसने लगेंगे। साक्षात्कार है B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर। अमेरिका अपने दोस्त देशों की मदद करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने डियागो गार्सिया में दुनिया के सबसे घातक परमाणु बॉम्बर को तैनात कर दिया, जो करीब 29 घंटे की यात्रा तय कर अमेरिका के मिसौरी एयरफोर्स बेस से हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया पहुंचे। अमेरिका ने कहा है कि 29 घंटे की ये यात्रा ये दर्शाती है कि अमेरिका अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद के लिए बेहद घातक और लंबी दूरी तक किसी भी समय और कहीं भी हमला करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की खासियत। दुनिया में सबसे खतरनाक बॉम्बर के तौर पर मशहूर ये मनमाने तरीके से किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे कोई भी रडार ट्रैक नहीं कर सकता। ये बॉम्बर एक साथ 16 परमाणु बमों को अपने साथ लेकर उड़ सकता है। एक ही उड़ान में किसी भी देश के कोने कोने को नष्ट कर सकता है। वर्ष 1997 में एक B-2 स्पिरिट बॉम्बर की कीमत करीब $2.1 अरब थी। अमेरिका के पास भी सिर्फ 20 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है। बिना जमीन पर उतरे और बिना ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकते हैं। ये बॉम्बर एक बार में 23,000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। इस B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1999 के कोसोवो युद्ध में इसने अकेले 33% टारगेट हिट कर दिए थे। इसके बाद इराक युद्ध में इसने डियागो गार्सिया से ही उड़ान भरकर इराक की तबाही की कहानी लिखी थी, और फिर अफगानिस्तान से लीबिया तक इसने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इससे पहले जनवरी 2019 में अंतिम बार B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर हिंद महासागर में हवाई द्वीप पर तैनात किए गए थे। इसके साथ करीब 200 एयरमैन हवाई में तैनात किए गए थे। माना जा रहा है कि करीब 1.5 साल बाद परमाणु बॉम्बर की इस तैनाती के जरिए अमेरिका ने चीन और ईरान को बड़ा संदेश दिया।